दोस्तों हमारी ये वीडियो PUBG लवर्स के लिए काफ़ी खास है। उनके लिए गुड न्यूज़ एक कि इंडिया में PUBG दोबारा लॉन्च हो रहा है और ये लॉन्च हो रहा है PUBG मोबाइल इंडिया के नाम से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे PUBG के रिलॉन्च के बारे में इंडिया में। दोस्तों मैं ब्रजेश वर्मा स्वागत करता हूँ आपका लाइफ इजी चैनल पर, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे, टाइम से मिलती रहे। तो दोस्तों आज 12 नवंबर 2020 को PUBG कॉर्पोरेशन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो इंडिया में रीलॉन्च कर रहे हैं PUBG को PUBG मोबाइल इंडिया के नाम से। दोस्तों PUBG हमारे देश में सितंबर 2020 में बैन हो गया था जब चाइना के साथ इंडिया के टेंशन्स बढ़े थे, उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने PUBG को इंडिया में बैन कर दिया था। उसके बाद दोस्तों लोग काफ़ी टेंशन में आ गए, जो PUBG लवर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत हुई इस चीज़ से, और उसी बीच PUBG पे काफ़ी एलिगेशन भी लगे थे कि PUBG में डाटा सेफ नहीं है, जो यूज़र्स के डाटा है वो सेफ़ नहीं है। उसके लिए क्या किया, जो क्राफ्टोन कंपनी मदर कंपनी PUBG कॉर्पोरेशन की, उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक टाई अप किया, पार्टनरशिप की, और वो एग्रीमेंट इसलिए हुआ कि PUBG कॉर्पोरेशन जो क्राफ्टोन कंपनी है वो अपना सारा डाटा मूव कर देंगे एक नए सर्वर पे जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर होगा। तो इससे एक एलिगेशन ख़त्म हो जाएगा कि भाई PUBG पे आपका डाटा सेफ़ नहीं है, आपका जो पर्सनल डाटा है वो सेफ़ नहीं है। तो वहाँ से ये एलिगेशन ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यूज़र्स का। दोस्तों जब ये इंडिया में बैन हुआ था PUBG गेम, तो उस टाइम इंडिया में इसके 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड थे, और ये किसी गेम के लिए काफ़ी बड़ा नंबर होता है डाउनलोड्स का। इससे ये पता चलता है कि PUBG के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो उस मार्केट को दोबारा यूटिलाइज़ करने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया और इंडिया में ये नए तरीके से आ रहे PUBG मोबाइल इंडिया के थ्रू। अब इसके लिए ये कंपनी क्या करेगी, PUBG कॉर्पोरेशन इंडिया में एक अपनी सिस्टर कंसर्न बनाएगी, इंडियन कंपनी होगी वो, और उसके लिए 100 मिलियन डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो इसके थ्रू एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आएगी। दूसरा, जब ये इंडिया में कंपनी बनेगी, इंडिया में ऑपरेशंस होंगे इसके, तो वो यहाँ पर हायरिंग भी करेगी। तो एक अभी इन्होंने बोला है कि 100 से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉय करेंगे, तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। हालांकि ये नंबर काफ़ी कम है, बट PUBG ने एक चीज़ और ऐड की है कि इस गेम के लिए हम यहाँ पर इकोसिस्टम पूरा डेवलप करेंगे, तो वो डे बाई डे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहेगी। दोस्तों इसी गुड न्यूज़ के साथ मेरा एक मैसेज भी है PUBG यूज़र्स के लिए कि भाई पहले हम देखते थे PUBG के लिए लोग इतना एडिक्टेड थे कि दिन रात मोबाइल में लगे रहते थे, तो आप ये दोबारा रीलॉन्च होने के बाद आप इतना एडिक्शन मत पाल लीजिए इन सब चीज़ों का कि आप इसके आदि हो जाएं और बाकी दुनिया को भूल जाएं। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री जी किसी एक ऑडिटोरियम में, एक कॉन्फ्रेंस में थे, वहाँ पर एक लेडी कह रही कि मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल खेलता रहता है। तो मोदी जी ने खुद कहा कहीं वो PUBG वाला तो नहीं है। तो आप देखिए कि माँ बाप कितने परेशान हैं कि वो प्रधानमंत्री से कंप्लेंट कर रहे हैं PUBG गेम की, और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ये पता है कि PUBG नाम का कोई गेम है। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। मायनी, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये PUBG वाला है क्या? बैन होने के बाद जो इसके यूजर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत भी आई, उनका मन नहीं लगता था, लेकिन ये 2 महीने का जो पीरियड था जब PUBG बैन हुआ, तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि आपको कितना एडिक्शन हो गया था इस चीज़ का। और जब किसी चीज़ का, गेम का जब आपको एडिक्शन हो जाता है, तो आप काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे ये एक फाइटिंग गेम है, इसमें फ़ाइट होती है, गोलियाँ चलती हैं, बारूद चलते हैं, तो इससे बंदा काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है। छोटे बच्चों पर भी काफ़ी इसका गलत असर पड़ता है। तो दोस्तों मेरा सिंपल सा मैसेज ये है, आप इसको एक गेम की तरह खेलिएगा, इससे एडिक्टेड मत होइए, इसका एडिक्शन मत पालिएगा। दूसरा, अगर आपको गेम खेलने का शौक़ है, आप आउटडोर गेम्स ट्राई करिए, बहुत सारे गेम्स हैं, बाहर जाइए। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आपको जब एडिक्शन होगा आप दिन रात लगे रहेंगे, सबसे पहले तो आपकी आंखें ख़राब होंगी, दूसरा मेंटली आप काफ़ी डिप्रेशन में आ जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, कई चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, कई तरह की बीमारियाँ, जब एक बीमारी आएगी तो दूसरी बीमारी अपने आप आ जाती है। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से एक पर्सनल सजेशन मान सकते हैं और एक मैसेज मान सकते हैं। और आज की डेट जो 12 नवंबर है, PUBG लवर्स के लिए काफ़ी अच्छी डेट है, ये गुड न्यूज़ है उनके लिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।